आइलिंग के अपहरणकर्ता ने अदालत को बताया कि उसने अपने खुद के खांड नोटों को लिखने में मदद की, जिसमें दावा किया गया कि ब्रिट मॉडल को प्लेग डेथ किलर क्लेमर मॉडल क्लॉ बीस्ट ने अपने कथित अपहरणकर्ता के अनुसार उसकी रिहाई के लिए फिरौती के भुगतान की मांग करने वाले ईमेल लिखने में मदद की। क्लेमर मॉडल क्लोए आयलिंग ने अपहरणकर्ता द्वारा भेजे गए फिरौती नोटों को लिखने में मदद की, एक अदालत ने सुना है। लूकास हेरबा 30 ने दावा किया कि उसने पहली बार अपने मुकदमे में साक्ष्य दिया था, कहने के बाद कि वह और चिलोए 2015 के गर्मियों में फेसबुक के माध्यम से मिले थे। हेरबा ने अपने दावे को दोहराया कि उसने फिरौती ईमेल लिखा था। उन्होंने कहा, उसने उन्हें मेरे साथ लिखा था, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, उसने सहयोग किया, वह जानती थी कि जब सभी घोटाले खत्म हो जाएंगे तो वह बहुत पैसा कमा लेगा और प्रचार करेगी। एक एक चलोए 20 का दावा है कि वह मदिरा किया गया था, एक कार के पीछे बंडल किया गया था और मिलान इटली में एक फर्जी फोटोशूट के लिए ऊपर उठने के बाद 6 दिनों के लिए बंधक बना दिया। पुलिस जन में हेरबा ने उसे काला मौत के नाम से एक मानव तस्करी समूह के हिस्से के रूप में अंधेरे वेब पर उसे बेचने के लिए छीन लिया था। 5 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन आलोचकों ने हेरबा के साथ खरीदारी के फुटेज को बताया कि अपहरण एक प्रचार स्टंट था, वह दावा है कि उसने हमेशा से इनकार किया है। पुलिस में सबूत देते हुए हेरबा ने अदालत से कहा, अपहरण की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह जटिल है और लड़की के रूप में नहीं। हेरबा मिलान में अदालत में पहुंचे, आज ही 2 सशस्त्र जेल गवाहों द्वारा नीले ऊन और जीन्स पहनने पर अदालत में आए, क्योंकि उसके बाद ही मुकदमा शुरू हो चुका है। अभियोजक पाओलो स्टोरी ने उनसे अपने एजेंट फिल ग्रीन को भेजी ईमेल रिस्म नोट के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने खुद को ब्लैक डेथ के साथ मध्यम स्तर के हत्यारे के रूप में वर्णित किया। सुबोधिनी हेरबा ने सनसनीखेज तरीके से पैक किए गए अदालत को बताया, यह लड़की के साथ लिखा गया था। हेरबा ने घोड़ा ट्रंक विलाइट कैटामाइन के साथ क्लो को इंजेक्शन लगाने से भी इनकार किया और एने को छोड़ने के लिए खुद को पकड़ में डाल दिया। उन्होंने कहा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, क्लो को प्रचार करने में मदद करने की एक योजना थी, यह विचार उसे प्रसिद्ध बनाने के लिए अपहरण करना था। अदालत ने यह भी सुना कि पिछले जुलाई में गिरफ्तार किए जाने के बाद हेरबा ने पुलिस को बताया और मैजिस्ट्रेटों की जांच कर रहे थे कि उन्होंने एक रोमानियाई गिरोह के लिए क्लो का अपहरण कर लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ल्यूकेमिया का निदान किया गया था और इलाज के लिए धन की जरूरत थी और यही वजह है कि उन्होंने छीनने की योजना बनाई थी, इसका दावा किया गया था। उसने शुरू में कहा था कि क्लो को ब्लैक डेथ ग्रुप के सेक्स गुलाम के रूप में निलम किया जा रहा था, लेकिन श्री स्टोरी से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को बताए सब कुछ से इनकार किया। हेरबा ने कहा, यह सभी का आविष्कार हुआ था, मुझे ल्यूकेमिया नहीं है, कोई रोमन व्यक्ति नहीं थे और कोई ब्लैक डेथ ग्रुप नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने खुद को CIA ऑपरेटिव के रूप में वर्णित किया है, जिन्होंने विशेष बल इराक अफगानिस्तान में निजी सैन्य एजेंसियों के लिए काम किया है के रूप में, हेरबा ने अदालत से कहा, यह सब क्लोन के लिए तैयार था। चलो ही जानता है कि चीजें कैसे चली गईं, वह बिल्कुल नहीं है जैसा कि वह वर्णन करती है। इससे पहले अदालत ने सुना कि हेरबा ने अपने भाई को एक बंदूक और एक बड़े बैग खरीदने के लिए कहा था। आप जानते हैं कि हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार अपने कंप्यूटर से बरामद ईमेल ने चिलोए के कथित अपहरण के चलते शीतल संदेश का खुलासा किया। हेरबा के लैपटॉप के विश्लेषण में यह भी पता चला कि उसने 2 बाला काला खरीदे जो मिडलैंड्स में अपने घर भेजे गए थे।
भाई मिकल को एक संदेश में उन्होंने कहा, एक बड़ा यात्रा बैग खरीदे, तुम्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, इसलिए यह बहुत अच्छा होगा। मिकल ने जवाब दिया, ठीक है। पुलिस विशेषज्ञ एंजेलो मारिया डी प्रकाशंजली के मुताबिक मिलान अदालत में सबूत देते हुए एक और संदेश में अर्ध स्वचालित हथियार का उल्लेख था, हालांकि पुलिस द्वारा कोई भी नहीं मिला। इससे पहले जुर्ज को दिखाया गया वीडियो चलोए को बिस्तर पर वापस चला गया। उसने दावा किया कि उसने एक पृथक इतालवी फार्म हाउस में अपने कथित अपहर्ताओं के साथ साझा किया। शीतल दृश्य 20 वर्षीय आयलिंग को देखता है, जो छोटी जीन्स में कपड़े पहने हुए और एक भूरे रंग का तख्ता है। ट्यूरिंग के निकट वाला ठिकाने के माध्यम से जासूसी चल रहा है। यह वह जगह है जहां मैं लुकास के साथ सोया था। चलोए फुटेज में एक डबल बेड की तरफ इशारा करता है, वह एक तरफ था और मैं दूसरे पर था। मिलान फ्लाइंग स्क्वाय के ज्ञानलका से माताची ने कहा कि क्लो को व्यथित कहा गया था जब उसने फार्म हाउस वापस जाने के लिए कहा था, जहां उसने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना किया था। उन्होंने कहा वह वापस जाने के लिए थोड़ा परेशान और व्यथित था, लेकिन वह अपने वकील के साथ लौटे ताकि हम फिल्म बना सकें। फार्म हाउस क्लॉय में बताया गया कि उसके हाथों और पैरों से हथकड़ी के साथ कैसे बाध्य किया गया था। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट एंजेला नेपोलिटानो ने कहा था कि कैटामाइन के लिए एक मूत्र नमूना वापस आया, लेकिन एक बाल नमूना ने दवा के प्रमाण दिखाए। अभियोजन पक्ष का कहना है कि उसे छीन ली गई थी और उसके कलाई पर एक सुई का निशान पाया गया था। उसे घोड़ा ट्रांक्विलाइजर से इंजेक्ट किया गया था। पारस्परिक जांच के दौरान श्रीमती नेपोलिटानो ने कहा कि जब यह तय हो जाए कि किटेमिन को लिया गया था, तो यह संभव नहीं था क्योंकि यह बाल के नमूनों में 8 सप्ताह तक रह सकता है। क्लोए के एजेंट फिल ग्रीन और हरबा के भाई मिकल सहित अन्य गवाहों की गवाही देने की उम्मीद है।